हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मर्जी से। इसके लिए हम यूज करेंगे विलिंगली का, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट कम हेयर विलिंगली। आई डिडंट कम हेयर विलिंगली यानी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मैं यहाँ आने के लिए मजबूर थी, यानी किसी ने से मजबूर किया था यहाँ आने के लिए। तो बता रही है कि आई वॉज कंपेल्ड, तो यहाँ पर हम कंपेल्ड का यूज करेंगे। कंपल्शन होता है ना, कंपल्शन मजबूरी, तो यहाँ पर है कंपेल्ड। आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर। आई वॉज कंपेल्ड यानी मैं मजबूर थी। आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर यहाँ आने के लिए, तो बता रही है कि आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर, मैं आने के लिए मजबूर थी। आगे बता रही है कि You compelled me to come here. अब आगे बता रही कि तुमने मजबूर किया मुझे यहाँ आने के लिए। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, You compelled me to come here. अगर आप इसे दोनों को ध्यान से देखोगे समझोगे। सबसे पहले तो बता रही है कि I was compelled to come here, यानी मैं आने को मजबूर थी। आगे कह रही कि You compelled me to come here, तुमने मजबूर किया मुझे यहाँ आने के लिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो, compelled की जगह आप बोल सकते हो You forced me to come here. You forced me to come here, यानी तुमने मुझे फोर्स किया, यानी मजबूर किया है आने के लिए। तो आप कंपेल का यूज कर लो या फोर्स का। आगे बोल रही है कि You made me come here against my will, यानी कि तुमने एक तरीके से कहना चाह रही है कि तुमने मजबूर किया मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ आने के लिए। You made me come here against my will. अब आगे यहाँ पर ये किससे बता रही है कि मैं सच में आज रात बाहर जाना चाहती हूँ, हालांकि मुझे बहुत काम करना है। तो यहाँ पर कोई से अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, तो बता रही है कि मैं जाना तो चाहती हूँ, हालांकि या लेकिन कह सकते हो कि मेरे पास काम बहुत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट, मैं आज रात सच में बाहर जाना चाहती हूँ। हाउ एवर, हालांकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे बहुत काम करना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ आने के लिए मजबूर मत करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कंपेल, तो फिर हमसे हमने यहाँ पर कंपेल का यूज़ किया है, डोंट कंपेल मी टू कम विद यू प्लीज, डोंट कंपेल मी टू कम विद यू प्लीज, यानी प्लीज मुझे अपने साथ आने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू कम विद यू प्लीज। इफ आई वर फ्री, अभी बता रही है कि अगर मैं फ्री होती, यानी कि ये व्यस्त है, बता रही है कि अगर मैं फ्री होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। इस तरीके से हम अपने दोस्तों से कहते हैं ना, कहीं हमें ले जाना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि देखो भाई, अगर मैं फ्री होता या होती तो मैं तेरे साथ जरूर चलता। तो यहाँ पर ये बता रही है कि इफ आई वर फ्री, ये फ्री नहीं है, बता रही है कि अगर मैं फ्री होती। तो यहाँ पे कोई सिचुएशन इमेजिन है, यानी कि जब भी इस तरीके से हम कुछ इमेजिन करते हैं तो वहाँ पास्ट का तो यूज़ होता ही होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं कहेंगे कि इफ आई एम फ्री, एम का यूज़ नहीं होगा, वर का यूज़ होगा। इफ आई वर फ्री यानी अगर मैं फ्री होती, आई वुड डेफिनेटली कम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस से ध्यान रखना, इफ आई वर फ्री आई वुड डेफिनेटली कम विद यू, मैंने कई वीडियो में समझाया भी है। आप यहाँ पर हमने यूज़ किया है If I were free, I would definitely come. तो यहाँ पर हमने come का use किया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि I would definitely join you. Join का मतलब होता है कि कोई कहीं जा रहा है, हम उसे join करने की बात कर रहे हैं, तो यानी उसके साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि I would definitely join you if I had the time. अगर मेरे पास समय होता, यानी कि समय नहीं है और past का use करेंगे इसके बाद, तो हम कहेंगे if I had the time. अगर हम कहते हैं कि if I had a car, अगर मेरे पास car होती, if I had the car, if I had the time. तो इस तरीके से हम had का जब भी कुछ इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये होता, तो टाइम की बात चल रही ना, इफ आई हैड द टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता आई वुड डेफिनेटली ज्वाइन यू, तो मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करती, तुम्हारे साथ जरूर चलती। उम्मीद करती हूं तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस, यानी उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस। आई होप यू विल कम्प्रहेंड माई कंपल्शन। तो यहाँ पर कम्प्रहेंड का मतलब समझने से, अंडरस्टैंड से, तो आप कह सकते हो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल कम्प्रहेंड माई कंपल्शन। कंपल्शन मतलब मजबूरी, उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। आप ऐसे भी कह सकते हो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस, तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मैं सुबह में कॉफी की जगह चाय पसंद करता हूँ। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई प्रेफर टी ओवर कॉफी इन द मॉर्निंग। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर इससे पूछ रही है कि तुम चाय पीते हो सुबह को या कॉफी, तो बता रहा है कि आई प्रेफर टी ओवर कॉफी इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में कॉफी की जगह चाय पसंद करता हूँ। या आप कुछ इसे चेंज करके ऐसे बोल सकते हैं, हम इन द मॉर्निंग आई वुड रादर हैव टी देन कॉफी। इन द मॉर्निंग आई वुड रादर हैव टी देन कॉफी, इसका मतलब है सुबह में कॉफी की बजाय चाय लेना पसंद करूँगा।
आगे कह रहा है कि हालांकि मुझे कॉफी पसंद है लेकिन सुबह में मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। तो बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है, कह रहा है कि ऑल्दो आई लाइक कॉफी, हालांकि मुझे कॉफी पसंद है, ऑल्दो आई लाइक कॉफी आई ओनली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में सिर्फ चाय पीता हूँ। ऑल्दो आई लाइक कॉफी, हालांकि मुझे कॉफी पसंद है, आई ओनली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। हाँ, बट का यूज नहीं होगा, कभी आप गलती से बट का यूज कर दो। इवन दो, ये दूसरा तरीका है इसी बात को कहने का, इवन दो आई हैव अ लाइकिंग फॉर कॉफी, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इवन दो आई हैव अ लाइकिंग फॉर कॉफी, हालांकि मुझे कॉफी पसंद है, मैं पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या पसंद करता हूँ, टी पसंद करता हूँ। तो ये मैंने चार तरीका आपको बताए हैं। अब ये बता रहा है आगे, तुम सुबह में क्या लेना पसंद करती हो, चाय या कॉफी? अभी इस लड़की से पूछ रहा है कि वो डू यू प्रेफर टू हैव इन द मॉर्निंग टी और कॉफी। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना किसी से, तो इंग्लिश में हम ऐसे पूछेंगे, वो डू यू प्रेफर टू हैव इन द मॉर्निंग टी और कॉफी, तुम सुबह में क्या लेना पसंद करती हो, चाय या कॉफी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग टी और कॉफी इन द मॉर्निंग, यहाँ पे भी क्वेश्चन ही कर रहा है, डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग टी, तुम इंजॉय करती हो चाय पीना और कॉफी, क्या कॉफी पीना इन द मॉर्निंग, सुबह में पूछ रहा है कि तुम सुबह में क्या पीना इंजॉय करती हो, टी और कॉफी, डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग टी और कॉफी इन द मॉर्निंग। आगे बता रहा है कि टी और कॉफी, विच वन डू यू लाइक टू स्टार्ट योर डे विद। तो इसी को, इसको हम, ये तीसरा तरीका है इसी बात को कहने का, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करना चाह रहा है, सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि तुम्हें सुबह में क्या पसंद है, टी और कॉफी। तो दो तरीके हमने देखा, तीसरा है कि टी और कॉफी, विच वन डू यू लाइक टू स्टार्ट योर डे विद, यानी चाय या कॉफी में से किससे तुम अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करती हो। मुझे इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, ये कह रही है कि आई डोंट लाइक इधर ऑफ दीज टू, आई डोंट लाइक इधर ऑफ दीज टू, यानी मुझे इन दोनों में से एक भी पसंद नहीं है, कोई भी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इधर ऑफ दीज टू। या आप कह सकते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इधर ऑफ देम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इन दोनों में, यानी चाय में या कॉफी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इधर ऑफ देम, कह रही है कि मुझे ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी। अब इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी, आई लाइक नीदर टी और कॉफी, यानी मुझे ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी, आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। या आप कहोगे आई हैव नो लाइकिंग फॉर इधर टी और कॉफी, आई हैव नो लाइकिंग, जब भी हम कहते हैं इस तरीके से लाइकिंग फॉर, तो इसके लिए हम फॉर का यूज जरूर होगा, आपसे पहले भी सेंटेंस दिखाया था इसी का स्ट्रक्चर का यूज करके, आप अगर पीछे करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से हम एक बात को कह रहे हैं, हम किससे बताना चाह रहे हैं कि ना तो मुझे चाय पसंद है ना कॉफी, या तो हम कहेंगे आई लाइक नीदर टी और कॉफी, या आई हैव नो लाइकिंग फॉर इधर टी और कॉफी। ऑन, तुमने मुझे बताए बिना उसे अंदर क्यों आने दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे पूछताछ कर रहा है, इससे पूछ रहा है कि तुमने मुझे बताए बिना उसे अंदर क्यों आने दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड यू लेट हिम इन विदाउट टेलिंग मी, व्हाई डिड यू लेट हिम इन विदाउट टेलिंग मी, तुमने मुझे बताए बिना उसे अंदर क्यों आने दिया। व्हाई डिड यू लेट हिम इन विदाउट टेलिंग मी, मैं यहाँ कल तक रुकूंगा। तो इससे बता रहा है कि आई विल स्टे हियर अंटिल टुमारो, आई विल स्टे हेयर अंटिल टुमोरो, यानी मैं यहाँ कल तक रुकूंगा, आई विल स्टे हेयर अंटिल टुमोरो, मैं टॉम के आने पर चला जाऊंगा, कह रहा है कि जब टॉम यहाँ आ जाएगा मैं चला जाऊंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लीव वेन टॉम गेट्स हेयर, आई लीव वेन टॉम गेट्स हेयर, यानी जब टॉम यहाँ आ जाएगा मैं चला जाऊंगा, आई लीव वेन टॉम गेट्स